जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाजा भाई। वालेकुम सलाम भाई। और खाजा भाई, तबीयत मिजाज आपकी? अल्लाह करम साहब, आपसे दो सवाल पूछना था। बोलिए भाई। आपका एक पोस्ट आया जी, आप उसमें बोल रहे हैं सुबह अरेस्ट करते शाम तक रिलीज कर देते जी, फिर मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करते गुस्से को कम कर देते जी। तो वो हुआ, आप बोले बात, वो हिस्सा हुआ बराबर जी। आप जो ये पीडी एक्ट लगाए राजा सिंह के, अब इनके जो वकील हैं, इनकी जो लीगल टीम है, सुप्रीम कोर्ट गई हुई है जी। पीडी एक्ट ये गलत डाले, ये हटाओ बोल के जी। मंडे के दिन इसका फैसला है जी। तो आप पे भी ये केसेस हुए थे जी। आप भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फिरे थे जी। तो हमसे ज्यादा बेहतर आपको मालूम, तो ये आप इस पे रोशनी डालना चाहेंगे सर? भाई मैं पहले आपको दो चीजें बोलता हूँ जी सर। राजा सिंह को रोडी शीटर का जो लिखा जा रहा था उसके जी, जिस दिन राजा सिंह की रोडी शीट खोले उस दिन सेम डे मेरी भी जो है रोडी शीट खोले थे जी सर। ये थी तारीख 18 नवंबर 2011 जी, हनुमान जयंती के फसादात में उसकी रोडी शीट ओपन हुई थी जी। और वही टाइम पे मेरी जो है रोडी शीट ओपन करे थे भाग्य लक्ष्मी टेम्पल के केस के अंदर। भाग्य लक्ष्मी टेम्पल के केस में मेरे पे एक दिन में 9 FIR हुए थे जी। तो वो 9 FIR हुए बोल के मेरी रोडी शीट ओपन करे, तो मेरी भी कम्युनल रोडी शीट है, उसकी भी कम्युनल रोडी शीट है जी सर, ठीक है ना भाई जी। उसके बाद मेरे पे भी पीडी एक्ट डाले थे जी जी। मेरा पीडी एक्ट डालने के बाद ये पीडी एक्ट का जो प्रोसीजर होता क्या होता, 45 डेज के अंदर जो है एडवाइजरी बोर्ड कमेटी के अंदर, यानी जो डीटी बोलते हैं इसको, डिटेंशन टॉल बोलते हैं जी। तो ये जो डीटी रहता पीडी एक्ट वाला जो रहता, उसको 45 डेज के अंदर एडवाइजरी बोर्ड कमेटी के सामने जेल वाले प्रोड्यूस कर देते लेके जाके जी। एडवाइजरी बोर्ड कमेटी क्या करती, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद पीडी एक्ट सही डाला नहीं डाला, वो एडवाइजरी बोर्ड कमेटी जो है उसका यानी एग्जामिन करती। अगर एडवाइजरी बोर्ड कमेटी को यह महसूस हुआ कि पीडीआर गलत है तो एडवाइजरी बोर्ड कमेटी वहीं से सीधा घर को चले जाओ बोलते हैं जी जी। और अगर एडवाइजरी बोर्ड कमेटी अगर पीडीआर कंफर्म करी जी, तो उसके बाद एक्यूज को यह राइट रहता है कि उन्हें हाईकोर्ट को अप्रोच हो सकता, लेकिन आफ्टर 45 डेज आजकल में कोर्ट को जा ही नहीं सकते उन्हों। तो फिर उन्हों सुप्रीम कोर्ट को जा रहे ना साहब? सुनो ना मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट जाओ, चीफ जस्टिस करने जाओ या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करने जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है वो जी। 45 डेज के बाद एडवाइजरी बोर्ड कमेटी की अप्रूवल आने के, अप्रूवल या डिसअप्रूवल दो में से कुछ भी आने के बाद जी, अगर कैंसिल हो गया तो घर को भी जाते उसको जी। अगर अप्रूव्ड हो गया तो उस दिन से उसको राइट रहता है, यानी अगर पेपर हाथ में मिल गया इसका पीडीआर कंफर्म सही डाले कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल के अगर कंफर्मेशन आ गया जी, तो वहीं से सीधा उन्हें हाईकोर्ट को जा सकता, यानी उन्हें से मुराद उसका वकील आ जाते, उसको जेल को भेजा जाते, जेल से निकल ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं निकल सकते। तो साहब ये जो अब ये खिलवाड़ हो रहा है मुसलमानों के साथ, जैसा एक दिन के लिए कुछ घंटों के लिए अंदर कर दिए थे इनको, आप ये बात को थोड़ा डिसकंटिन्यू हो जा रहे जी जी। 45 डेज के बाद इन्हें जो है जाता हाई कोर्ट जी, हाई कोर्ट पुलिस सही डाली नहीं डाली एग्जामिन करता जी, 90% हाई कोर्ट भी उसको कंफर्म करता कि सही डाले बोल के जी, ठीक है। इसमें निकल गए 3 महीने जी, 3 महीने के बाद इन्हों जाते सुप्रीम कोर्ट, अच्छा 3 से 3.5 महीने के अंदर इन्हों सुप्रीम कोर्ट जाते जी। जिस दिन इन्हों सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट इनको गलत डाला पीडीएफ बोल के इनको रिलीज करो बोलता जी, ये कंफर्म है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उनको मिलता, लेकिन इन्हों सुप्रीम कोर्ट जाने का इनको जो है तरीका यानी उतना टाइम गुजारना पड़ता है, अभी इनको अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गया था 45 डेज पीए पे 3 मंथ्स का प्रोसीजर के बाद इन्हों सुप्रीम कोर्ट को रुजू हो सकते। देखो भाई, सीधा सुप्रीम कोर्ट बोलते, मैं एग्जांपल देता हूं, आप सीधा जाके जो है मिनरल का ढक्कन डालो बोल के असदुद्दीन ओवैसी साहब कैसा बोलते नहीं बोलते, पहले कॉर्पोरेटर को बोलते हैं, फिर एमएलए को बोलते हैं, फिर उसके बाद जाके जो है फाइनली आप एमपी साहब को बोलते हैं जी जी जी। ये भी वैसी है, पहले आप क्या करते हैं एडवाइजरी बोर्ड कमेटी को जाते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट को जाते हैं, फाइनली सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का देखे तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता, जाओ यार कॉर्पोरेटर को जाके बोलो छोटा काम है ना, वो बोलता। अब साहब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं मंडे के दिन, इनकी ये है वो इनका फैसला है वो, तो अब वहां से रिलीज ऑर्डर मिल गया तो क्या करना? नहीं भाई, फिर एहतजाज करना, फिर पुलिस को बोलना। तो साहब ये तो खिलवाड़ हो जा रहा आवाम के साथ। बिल्कुल, उन्हों कानून का है, देखो भाई यही पे यही तो प्रॉब्लम है ना, उसको कानून का डर नहीं है, इस बात उन्हों कानून के साथ उन्हें खिलवाड़ कर रहा। सही है,
अगर उसको कानून का डर होता, अगर उसको लेके जाके दिशा रेप केस के जैसा उठा के लेके जाके मार देती तो किस्से खत्म था ना। तो सर ये गवर्नमेंट का फेल्यूर है या फिर पुलिस का फेल्यूर है जो हो रहा है यहाँ? पहले तो सबसे पहले उसको जिस तरीके से पुलिस वाले अरेस्ट करे थे उसको 24 की सुबह, वो गलत था जी साहब। उसको लीगल पूरा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके पुलिस अरेस्ट करना था उसको जी, ठीक है, तब उन्हें छूटता नहीं था वहां से। फिर वो केस भी मामूली था, 3 दिन के अंदर वो जो सेक्शन डाले थे 153A जो सेक्शन डाले थे जी, वो मामूली सेक्शन है वो जी जी। उसके अंदर कोई भी रहने दो, राजा सिंह रहने दो, आप रहने दो, मैं रहने दो, कोई भी रहने दो जी साहब, 3 से 4 दिन के 8 दिन के अंदर बेल मिल जाती है उसकी। साहब इसमें एक सवाल उठता, ये एक देश में दो कानून हो रहे, आपके साथ अलग फिर राजा सिंह के साथ अलग, तो इस बारे में क्या बोलेंगे आप? देखो भाई ये तो देश में कानून हो रहे बोलते, उनकी गवर्नमेंट है, उनकी पूरे कानून दा बैठे हुए है साहब, तेलंगाना में तो केसीआर है ना, तो करेंगे ना वो लोग, तेलंगाना में तो केसीआर है ना। नहीं मैं आपको तो एक बात बोलूंगा, आप कुछ भी बोलो, हैदराबाद के मुस्लिम बच्चों को यहाँ पे सलूट कैसा पूछो आप? मैं इसलिए बोलता हूँ बॉस, देखिए नुपुर शर्मा एक जो है दीवानी एक बेहुदा बयान दी थी जी सर, पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे एहतजाज करा लेकिन कुछ नहीं कर सका उसको, बेशक हैदराबाद घुटनों पे ला दिया अल्लाह के करम से, मगर साहब एक दिन में रिलीज हो गए, फिर ये एहतजाज करने से फिर राजा सिंह को ऐसा अंदर डाले, फिर सदर साहब का ट्वीट आया, फिर इसके बाद कॉल हुआ उस अंदर डाले, बताए। देखो देखो सुनो सुनो मेरी बात जरा सुनो आप, सदर साहब आखिरी खतरनाक चीज है, याद रखो आप मेरी बात को, वो तो पूरे जानते साहब, उन्होंने बैठ के खाली ऐसा दो उंगलियां फिराए तो पीडीएक पड़ जाना है। आपको अंदाजा नहीं है ये बात जो है, खाली मैं फोनों पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत डेंजरस है, लेकिन लेकिन सुनिए क्या केसीआर को मोहब्बत है सरकार दौलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? नहीं बेशक आप सही बात बताए, सदर साहब बैठ के जुम्मा जुम्मा डिजास्टर हो जाता आपका जी, जुम्मा खतरनाक गुजरने वाला था आज का, हुकूमत देख ली मुस्लिम बच्चे बेकाबू है इस वक्त जी साहब, और होना भी चाहिए, मारा खाए, लाठियां पड़े, बच्चों को उठा के सरा फोड़ दिए पुलिस वाले, जाने बेहुदे पने से मारे पुलिस वाले, वो घर में घुस के भी तोड़ के ले गए साहब, हाँ बेहुदे पने से मारे पुलिस वाले, उसके बावजूद भी अपने बच्चे 2 मिनट को पीछे नहीं हटे, सरकार का मसला था साहब कैसा? अरे यकीन मानो आप, अल्हम्दुलिल्लाह आज फखर है सारा इस बात का, हैदराबादी है, मगर हैदराबाद आप नहीं दिखे, तो मैं क्या करूं निकल के, बोलो आप। नहीं साहब फिर भी जैसा हमारे मुजफ्फर साहब बाहर थे, अरे भाई देखो ये देखो सुनो सुनो, नहीं नहीं ये धरने वरने देने का ख्याल नहीं है उस्ताद, नहीं साहब बच्चों को तो छुड़ाना था ना जाके, अरे छुड़ा रहे बोलते कॉर्पोरेटर पूरे लगे हुए पार्टी के, पूरे छुड़ा रहे ना, कौन सा बच्चा अभी भी अंदर है बोलो अभी, नहीं साहब वो तो 196 बच्चों को छुड़ाए बोल के ऐसा रिपोर्ट आई थी, अरे वो तो देखो जमात करती काम, ये आप ये नहीं हर फसादात में देखो जमात रोडों पे रहती, फिर भी लोग तनकीद क्यों कर रहे साहब? अरे वो छिछोरों को मौका क्या है यार, उनको छोड़ो ना, उनका मौका क्या है, उनको उनको मौका होना ना बात करने का, बेशक साहब। अरे भाई वो लोग तो क्या चाहते बोलते हो, सदर साहब हाथ में तलवार ले लेके निकल जाना रोड पे, खला जो दिख रहा मारते रहना खाली, बोलते हो साहब मैं भी ये बात बराबर बोला, लोग ये बोल रहे थे तो क्या साहब, देखो भाई अब क्या चाहते मान लो हमला एक पूरी जमा देके 47 ले लेके निकल जाना खाली, धना धन जो जहाँ दिखा गोलियां मार लेते, एक बात मुखालिफी ने मजलिस जो थे मगर वो रोडों पे नहीं थे, कोई लीडर उनका इधर से कोई जाके छुड़ाए नहीं, अरे वो लोग पकड़े गए तो हमला छुड़ाते यार, वो लोग किसको छुड़ाएंगे, वो लोगों को अगर पुलिस वाले पकड़ लिए तो वो लोग हमारे को फोना करते हल्लू इनसे उनसे फोना कराते यार, करा के हमारे को बोलते छुड़ाओ छुड़ाओ, उल्ला बच्चों को छुड़ाते, खैर छोड़ो वो लोग वीडियो बना के पुकारा करते वो अलग बात है, और उनको खुद को मालूम है साला उन्हें पकड़े गए तो उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं, मगर ये चीज से आवाम में एक मैसेज गया साहब, मजलिस आती छुड़ाती बचाती और रोडों पे निकल के एहतजाज भी करती बच्चों के साथ ठहरती भी, उसके बाद आगे भी बोलूं जी साहब फिर गालियां भी सुनते वो फिर मुखालिफत भी लोगों की झेलते, फिर हमारे कुछ बुरा बोलते जी जी, फिर हमारे कुछ जो है बोलते क्या करे क्या करे क्या करे पूछते, फिर हमारे कुछ बोलते ऐसा नहीं करना था वैसा करना था वैसा नहीं करना था ऐसा करना था, ये सब बात हमारे कुछ बोलते वो तो है साहब, और वो सालार हमेशा ये बात बोलते थे जी, कितना भी करो ये तो सुनने वाले छे अपन, और साहब सुनने वाली छे बेशक बेशक,
और मुसलमान अपना लीडर तस्लीम ही नहीं करते साहब, ये शुरू से नहीं डाको करने दो भाई, मुस्लिम लीडर अपना हक अदा कर रहा। मैं यकीन मानो आज बड़ी फखर से बात बोल रहा हूँ, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों क्यों हूँ और हैदराबादी हूँ ये भी इसलिए बोल रहा हूँ, नुपू शर्मा का जब एक बेहुदा बयान आया था उसके बाद हिंदुस्तान में कहीं कोई स्टेट में कोई स्टेट वाला नुपू शर्मा को अरेस्ट नहीं करा सका जी साहब। लेकिन एक हमारे पास का सुबर एक बयान दिया तो हैदराबाद के नौजवान ईंट से इंगड़ बजा दिए, बेशक सर। और इसके लिए बोल रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है कि मैं हैदराबादी हूँ। और असदुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब जिस अंदाज से बैठ के जो है पीछे से काम कर दिए इसका, उसके लिए फखर से बोल रहा हूँ मैं मजलिसी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह साहब। सदर साहब को ये भरोसा है साहब, काम साइलेंट में करते हैं और रिएक्शन पूरी दुनिया देखती। अरे उन्होंने बहुत साइलेंट में मर क्या, एक पिक बहुत वायरल हो रही साहब, सलाउद्दीन अवैसी साहब की सियासत हमारे घर की है बोल के जो है अब समझ में आया बोल के लोग पोस्ट कर रहे हैं, लोगों को बड़ी देर से समझ में आया जी। नहीं यही है ना, ये लोगों को बहुत देर से अपने थोड़े से लोगों क्या है मुखालिफों को यानी बात 25-30 साल बाद समझ में आती ये सही था बोल के, वैसे थोड़े मुखालिफ आज भी है 25-30 साल बाद ये लोगों को समझ में आता है कि सही है। खैर वो छोड़िए, लेकिन बोलना ये चाह रहा था मैं जी, और बात अपनी चेंज हो गई के इसका जो पीडी एक्ट है, हम खामोश यहाँ नहीं बढ़ गया ना भाई, यहाँ पे खामोश बढ़ गए ना हम 3.5 महीने के बाद, या फिर इसकी लीगल टीम जो है सुप्रीम कोर्ट को कोई जरिया तो नहीं है अप्रोच होने का, लेकिन अगर किसी जरिए से हुकूमत उनकी है जरिए उनके है किसी जरिए से अगर वो लोग अप्रोच हो गए और इन्हें ये हरामी बाहर आ गया जी, तो ये हमारे लिए और बड़ी जो है अफसोस की बात रहेंगे, दिलों को तकलीफ पहुंचाने वाली बात रहेंगी। साहब जो आप बोल रही है टूटी 2-3 दिन में इन्हें बाहर आ गया तो बोल रहे हैं, 45 डेज के बाद की बात करें आप? मैं 3 महीने के बाद की बात कर रहा हूँ, जजमेंट आ गया तो नहीं आ सकता भाई, पहले लोअर कोटा जो है पूरे उसको देना, पहले एडवाइजरी बोर्ड कमिटी सही लगाएंगे लगाए देना, पूरा एक प्रोसेस है वो, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट हियरिंग नहीं करता डायरेक्टली। नहीं साहब अभी वो रहना हुकूमत उनकी सब पावर उनका तो छुड़ाने क्या जा रहा, छुड़ा देते। मैं नहीं समझता भाई, लीगल प्रोसेस भी अगर वैसा हुआ तो फिर हम भी जाते ना सुप्रीम कोर्ट को, हम मेरे जैसे दीवाने लोग अभी जाते ना सुप्रीम कोर्ट को, हम भी तो जाके बोलेंगे ना भाई, हैदराबाद में एक बच्चे के ऊपर एक सिंगल केस आया तो उसको पीडी एक्ट डाल दिए और इसको उसको डाल के 1 साल गुजारने लगाए, और ये जो हरामी के ऊपर 101 एफआईआर है जी साहब, और 101 एफआईआर रखने के बाद, और इन्हें तो एफआईआर तो एफआईआर छोड़ो, एक केस में इन्हें सजा याफ्ता है जी, इसको एक केस में 2 साल की सजा हुई, कोर्ट माला नाम पर ली कोर्ट के इन्हें मुजरिम है बोल के जी, फिर इनको फिर इन्हें अंदर नहीं गिना सब 2 साल की सजा में भाई, इन्हें यानी मुजरिम है, इन्हें कन्विक्टेड है, मुजरिम है, इन्हें कन्फर्म मुजरिम है, इन्हें एक्यूज नहीं है, अंडर ट्रॉल नहीं है। नहीं साहब आप बोल दिए जजमेंट आ गया है, नो गिल्टी फाउंड हुए, मगर इन्हें अंदर नहीं गए ना, जेल में नहीं गए थे दो साल। देखिए 2 साल के अंदर की इन्हें तो बेल भी तो मिलती ना जी, उन्हें कानून से कैसा खेलना उसको मालूम है ना बदमाश को जी साहब, विश्वास से तो उन्हें ऐसे बयान देता ना, क्योंकि उसको कानून का डर नहीं है ना जी जी। अब पुलिस की भी जिम्मेदारी है कानून का डर बिठाना उसके ऊपर जी साहब, उसको बताना पुलिस उसको सही तरीके से, भाई पुलिस अगर सही तरीके से काम शुरू से करी होती, पहली बार जब उन्हें गलत बयान दिया होता ख्वाजा अजमेरी के ऊपर, जब उन्हें गलत बयान दिया होता, अगर पुलिस वाले जब भी उठा के उसके ऊपर पीडी एक्ट डाल देते या पुलिस स्टेशन में लेके जाके उसकी मुसल कस के उसकी हड्डियां नलियां तोड़ देते अगर जी, तब सही मालूम होता ना पुलिस वाले, पुलिस भी किसी के दबाव में है ना। देखिए पुलिस दबाव में तो अपन भी कानूनी कार्रवाई सही तरीके से करना ना जी साहब, अपन भी तो पार्टी बनना ना, अपन भी तो कोर्टों को जाना ना, पुलिस गलत कर रही बोल के अपन भी कोर्टों में बताना ना जी जी। भाई देखो आप जाके पुलिस वाले के खिलाफ कोर्ट में जाओ, जाके जब मैं तैयारी करा जाने की जी, अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो मेरे पास भी एक डाटा है। अच्छा तो आप भी रुजू होंगे अगर ये रुजू हो तो? मैं कहीं को रुजू नहीं होगा, बोलिए हैदराबाद के अंदर ऐसे कई बच्चे हैं जो चोरी के एक केस में चोरी के जो है जेल को गए, पुलिस उनको पीडी एक्ट भी डाली और पुलिस उनको 1 साल पीडी एक्ट कन्फर्म भी हुआ उनका जी, 1 साल यानी जेल में भी रहे पीडी एक्ट के जरिए, और जिसके ऊपर 101 एफआईआर है और उन्हें कन्विक्टेड है, उसकी पूरी अपने पास एफआईआर की डिटेल है, अपन वो लेके अपन भी जाना जाके बोलना उनको 1 साल गुजारने लगाते और इनको 1 साल से इनको 4-3 महीने के अंदर छोड़ देते, ये कहाँ का इंसाफ है, बोल के अपन भी जाना कोर्ट को। नहीं साहब ये भेदभाव होगा ना,
भेदभाव होगा बोले तो टेक्निकल लीगैलिटीज को लोग यूज करके भेदभाव करेंगे ना। नहीं इनो एमएलए है तो क्या होता है, एमएलए रहे तो एमएलए को एमएलए बोले तो साहब एक रिप्रेजेंटेटर है पब्लिक का, तो क्या करते हैं इनके लिए अलग कानून, आम जनता के लिए अलग कानून बोल के ऐसा कुछ ऐसा प्रोसीजर बता के छोड़ दिए तो नहीं कानून होता भाई चाहे वो एमएलए रहो नॉर्मल आदमी रहो कानून कानून सबके लिए बराबर है। तो सर आप प्रोसीजर फॉलो करना, अब उन्हें भी जो है फ्लोर पे सोना, उन्हें भी जेल में फ्लोर पे सोना, दाल खाना खाना जेल का उन्हें भी। जी सर एमएलए है तो क्या उसको घर की बिरयानी ला के देते उसको? नहीं साहब फिर भी ये बात होती ना, कानून अलग अलग है हर किसी के लिए, एमएलए के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है, आपको भी कुछ ऐसा बयाना है, आपके कुछ स्टेटमेंट्स है ऐसे? नहीं देखिए प्रिविलेजेस बराबर रहते थोड़े बहुत, जी थोड़े बहुत रहते, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। जी। अब अगर एमएलए किसी को चाकू मार दिया, मर्डर कर दिया तो क्या उसके ऊपर 302 बुक नहीं होगा? होता था बराबर होता सर। एक ऑटो वाला भी अगर उन्हें भी चाकू मारा तो उसके ऊपर भी 302 बुक होता, जी बराबर होगा ना भाई? सही है सर। तो वो कानून के हिसाब से चलते हैं लेकिन हम भी उसके पीछे पड़े हुए हैं ना, बोलना चाह रहा हूँ मैं। बेशक साहब। साहब एक आखिरी सवाल आपसे साहब, आप 20 घंटे पहले एक वो डाले पोस्ट डाले रियली मिसिंग चल्लापल्ली, अल्लाह आज मैं कैसे नहीं हूँ चल्लापल्ली में, तो ये क्या मतलब है साहब? नहीं भाई चल्लापल्ली की बड़ी याद आ रही थी, चल्लापल्ली में रहते तो अच्छा जो है चल्लापल्ली दिखाते थे राजा सिंह को साहब। अच्छा दिखाते थे वे चल्लापल्ली, पूरे कोने कोने दिखाते थे, बोलना चाह रहा था। अल्लाह वो कोना वैसा है, ये कोना ऐसा है, कोना कोना पूरा पूरा जो है और वो जो पोस्ट डाला मैं उसके ऊपर फुटबॉल ग्राउंड की फोटो डाला था। जी साहब वही तो वो क्या है बोलते फुटबॉल खेलते थे बोलते ऐसा चल रहा था। ठीक है भाई समझ में।